क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर सुबह करीब 12:15 पर स्पाइस जेट के विमान से गग्गल हवाई अड्डे पर उतरे, जहां पर एचपीसी के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मास्टर ब्लास्टर के साथ उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर अंजलि तेंदुलकर भी मौजूद थी। सचिन तेंदुलकर धर्मशाला के एचपीसीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे अंडर 19 नेशनल क्रिकेट कैंप में शामिल खिलाड़ियों को खेल के गुर सिखाएंगे। कैंप के सायंकाल सत्र में सचिन तेंदुलकर खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें क्रिकेट की बारीकियों से अवगत करवाया। गग्गल हवाई अड्डे पर सचिन तेंदुलकर के प्रशंसकों की भारी भीड़ उनकी एक झलक पाने को उमड़ गई थी। हवाई अड्डे से सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी के साथ सीधे कंडी स्थित एचपीसी के होटल द पवेलियन के लिए रवाना हो गए। तेंदुलकर आज धर्मशाला स्टेडियम में क्रिकेट म्यूजियम का शिलान्यास और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन करेंगे, साथ ही एचपीसीए की डे अकादमी के खिलाड़ियों में से भी मिलेंगे। सचिन ने कहा कि वह पहले भी धर्मशाला आ चुके हैं और यहां का मौसम व स्टेडियम उन्हें बेहद पसंद है और वह बार बार यहां आना चाहेंगे। गौरतलब है कि सचिन का बेटा भी धर्मशाला स्टेडियम में चल रहे राष्ट्रीय कैंप में ट्रेनिंग ले रहा है। ऐसे में सचिन कुछ वक्त अपने बेटे के साथ बिताकर उन्हें क्रिकेट की बारीकियां सिखाएंगे।